Hi friends, evening. This is the fourth case of this cardiac series, which is an AVSD. So this could be atrioventricular ventricular septal defect. So this that can be complete and partial. And हमने ऐसा देखा है कि जो ये जो cardiac lesions हैं वो आर यूजुअली nowadays आर बिंग एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम के साथ में ज़्यादा एसोसिएटेड है एज कम्पेयर टू डाउन सिंड्रोम. तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि जैसे पहले मैं ऐसा समझता था कि डाउन सिंड्रोम बहुत तरह से हो सकता है और नेजल बोन की खराबी हो सकती है, कुजनिक बाउल हो सकता है, कार्डियक हो सकती है. तो उसी तरह से आजकल मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो ट्राइसोमी 18 है वो कंप्लीट ना होके पार्शल ट्राइसोमी 18 बहुत तरह से हो सकता है. सो पार्शल ट्राइसोमी 18 जो है वो जगह ले रहा है डाउन सिंड्रोम की, राइट. सो वी शुड बी वेरी. और ये जो ट्राइसोमी 18 की मैं बात कर रहा हूँ पार्शल, वो ART फैमिलीज में या IVF प्रेगनेंसीज में काफ़ी कॉमन है या सामान्यता पाया जाता है. तो ये केस मैं आपको दिखा देता हूँ. अगर फोर चैम्बर व्यू को अगर आप देखिए तो वी कैन आइडेंटिफाई कि जो राइट एट्रियम है काफ़ी डायलेटेड है और ट्राइकस्पिड डिस्प्लेजिया TR तो है, काफ़ी ज़्यादा होलोसिस्टोलिक TR है और लेकिन राइट एट्रियम डायलेटेड है, राइट. उसको थोड़ा ध्यान से देखिए. ऐसा कहा गया है कि फोर चेंबर व्यू पे अगर आप 5 मिनट खड़े हो जाते हैं सो वी शुड स्टैंड फॉर समथिंग अराउंड 5 मिनट्स एट ए फोर चेंबर हार्ट, सो दैट द हार्ट स्टार्ट्स टू स्पीक टू यू, है ना. दिल जो है, बेबी का जो दिल है वो आपसे बात करना शुरू करता है, राइट. उसको ध्यान से देखिए तो ये AVSD दिखाई दे रही है, राइट. सो दिस कुड बी पार्शियल, दिस इज द क्रक्स जो ऑफ द हार्ट है, क्रक्स की परेशानी है. सो दिस इज एन AVSD, राइट. सो क्रक्स वो ठीक से नहीं बन पा रहा है, इसके आउटफ्लो ट्रैक्स तो बिल्कुल ठीक है. सो ऐसा लगता नहीं है कि अनबैलेंस्ड AVSD है, लेकिन ये जो क्रक्स है ये AVSD है, राइट. ओके, सो दिस कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि क्या है, सेप्टम सेकेंडम अगर मिलता है तो कम्प्लीट हो गया, अगर तो पार्शल हो गया, अगर नहीं मिलता है तो कम्प्लीट हो गया, राइट. बट देन वॉट वी आर डीलिंग विद इज AVSD, एट्री वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट्स, राइट, विच इज क्लासिकली एसोसिएटेड विद ट्राइसोमी 21. अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है ये आइडेंटिफाई कर लेने के लिए कि क्या बेबी के साथ में क्या हो रहा है, मतलब वॉट इज हैपनिंग टू द बेबी, पहला. दूसरा ये है कि चूंकि आप इन टोटो बेबी को ऊपर से लेकर नीचे तक और सभी ऑर्गन्स को आप ध्यान से देख सकते हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छी मॉडलिटी है, राइट. तो थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इस फीटस में हमको ट्राइगोनोकेफेली मिली है, विच इज कॉल्ड एज स्ट्रॉबेरी स्कल, पहला. दूसरा वी एंडेड विद कार्डिक लीजन, तीसरा वी आइडेंटिफाइड कि वो बेबी के जो फिंगर्स हैं वो भी डेफिनेटली दे आर मूविंग, बट बिकॉज ऑफ द टोन इज हायर वी कुड आइडेंटिफाई दैट देर वॉज एन एबनॉर्मल, उनकी जो पोस्चर थी वो एबनॉर्मल थी बाइलेटरल फिंगर्स की, ठीक है. तो डाउन सिंड्रोम में ऐसा होता है कि हाइपोटोनिया होता है, एलिमेंट ऑफ एन हाइपोटोनिया होता है, इसकी वजह से कुजेनिक बावल होती है, बाइलेटरल रीनल बाइलेक्टेसिस होती है, राइट. इसीलिए क्लाइनोडक्टाइली होती है और सीमियन सेंट्रल गैप भी इसलिए होता है और सीमियन क्रीज भी इसलिए होती है. लेकिन एडवर्ड सिंड्रोम में ऐसा होता है कि टोन थोड़ी सी ज़्यादा होती है बेबी की, इसीलिए जो क्लेंज्ड फिंगर्स होती है, इनफैक्ट बेबी उसको ओपन करता है और क्लोज करता है लेकिन वो वापस उसी कंडीशन में चला जाता है, राइट. तो आई एम सस्पेक्टिंग पार्शल ट्राइसोमी 18 इन दिस बेबी, एंड सो मीनिंग देयर वाज दिस कार्डियक लीजन इंस्टेड ऑफ बीइंग क्लासिकल एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट और इन AVSD इंस्टेड ऑफ बीइंग एसोसिएटेड विद द क्लासिकल ट्राइसोमी 21 is now we are identifying it to be in Edwards syndrome, right. So इसीलिए cardiac assessment या fetal assessment in toto not by this thing but by a fetal medicine specialist is of paramount importance, because it changes the entire, because it is because you see it is not about the diagnosis, it is about those findings and then reaching to a common diagnosis and then prognosticating the whole situation, right. Thank you very much for your patience.